दोस्तों आज इस वीडियो में इस माइक्रोटेक सोलर इन्वर्टर का सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड सेटिंग के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपको भी एक माइक्रोटेक सोलर इन्वर्टर खरीदना है या फिर उसका सेटिंग एंड फीचर्स के बारे में आपको जानना है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखते रहिए। और इसके अलावा भी वीडियो का अंत में इस माइक्रोटेक सोलर इन्वर्टर को मैं अपना सोलर पैनल के साथ कनेक्ट करके लाइव टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको भी एक आइडिया लग जाए कि सोलर पैनल से कितना करंट आता है और कितना एम्पीयर से बैटरी चार्ज होता है और आपका सेविंग्स वगैरह भी कितना होगा। तो ये सब कुछ आपके सामने लाइव होने वाला है। और फिलहाल मेरे हाथ में जो मॉडल है ये है माइक्रोटेक का 1235 12 वोल्ट का 900 BA का ये सोलर इन्वर्टर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है एक डिजिटल डिस्प्ले और इसमें आप सारे सब कुछ आप डिजिटल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, जैसे कि सोलर पैनल से कितना करंट आता है, कितना वोल्ट आता है और कितना करंट से बैटरी चार्ज होता है, आपका सेविंग्स वगैरह कितना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस डिजिटल डिस्प्ले पर आप देख पाएंगे, जो कि वीडियो का आगे जाके आपको पता चलेगा। और इस इन्वर्टर का परचेज लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके उसे आप चेकआउट भी कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले इस इन्वर्टर का फ्रंट पैनल का बात किया जाए तो यहाँ पर दिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, जैसे कि अगर मेन लाइन से बैटरी चार्ज होता है या मेन लाइन प्रेजेंट रहता है तो ये लाइट ब्लिंक करेगा, और अगर सोलर प्रेजेंट रहता है या फिर सोलर से बैटरी चार्ज होता है तो ये लाइट यहाँ पर ब्लिंक करेगा। देन आपको यहाँ पर मिल जाता है UPS इंडिकेटर, अगर आपका इन्वर्टर UPS मोड में रहता है तो ये लाइट यहाँ पर ग्लो होगा। देन आपको मिल जाता है लो बैटरी इंडिकेटर, उसके बाद दिया गया है ओवरलोड का इंडिकेटर भी, और सबका राइट साइड में दिया गया है चार्जिंग ऑन ये इंडिकेटर, अगर आपका बैटरी मेन लाइन से चार्ज होता है तो ये लाइट यहाँ पर ब्लिंक करेगा। और सबका राइट साइड में दिया गया है ये मेनू बटन, और इसमें प्रेस एंड होल्ड करते ही आपको यहाँ पर इस डिस्प्ले पर आपको दिख जाएगा सोलर पैनल से कितना पावर आता है और आपका घर में भी कितना लोड चल रहा है और कितना सेविंग्स हो रहा है, तो इस डिस्प्ले पर आप देख पाएंगे। तो अभी अगर इस इन्वर्टर का पीछे तरफ दिखा जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ इंपॉर्टेंट स्विच या फीचर्स, जो कि इस इन्वर्टर को बनाया है सबसे बेहतर। और यहाँ पर टोटल 5 स्विच दिया गया है, तो एक एक करके मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो इससे पहले यहाँ पर आपको मिल जाता है एक आउटपुट रिस्टार्ट स्विच, और इसका ठीक नीचे दिया गया है 2 टर्मिनल। अगर आपके पास सोलर पैनल है, अगर आप उसे सोलर पैनल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस 2 टर्मिनल के साथ आप सोलर पैनल भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम 17 वोल्ट 600 वाट तक सोलर पैनल आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। और अगर आपके पास सोलर पैनल नहीं है तो फिर भी दिक्कत नहीं है, उसे आप एज ए नॉर्मल इन्वर्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया है एक डिजिटल फैन, जो कि बैटरी बोल्ड या बैटरी चार्ज के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। अगर बैटरी के बोल्ड ज्यादा रहता है या बैटरी फुल चार्ज रहता है तो ये कंटिन्यूअसली चालू रहता है, अदरवाइज ये स्टॉप हो जाएगा। और अभी अगर देखा जाए तो राइट साइड में दिया गया है 5 इंपॉर्टेंट स्विच, जो अभी आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले दिया गया है मोड सिलेक्शन करने के लिए स्विच, अगर आप उसे एज ए नॉर्मल इन्वर्टर यूज करना चाहते हैं विदाउट सोलर पैनल तो आपको उसे नॉर्मल मोड में रखना है, अदरवाइज अगर आपके पास सोलर पैनल है आप उसे सोलर पैनल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको उसे स्मार्ट मोड में ही रखना है। और उसके बाद मिल जाता है वोल्टेज सिलेक्शन करने के लिए स्विच, इनपुट वोल्टेज सिलेक्शन, तो आपको उसे स्टैंडर्ड पर ही रखना है। और इसके बाद यहाँ पर मिल जाता है चार्जिंग वोल्टेज सिलेक्शन करने के लिए स्विच, तो आप अगर यहाँ पर बैटरी को बहुत फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो आपको उसे हाई पर रखना है, अगर आप अपना बैटरी का लाइफ इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको उसे हमेशा स्टैंडर्ड पर ही रखना है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपको उसे हमेशा स्टैंडर्ड पर ही रखना है, क्योंकि बैटरी लाइफ हमेशा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो नीचे दिया गया है और भी 2 स्विच, तो फास्ट वाला स्विच बहुत इंपॉर्टेंट स्विच है, बहुत सारे इन्वर्टर मैंने देख लिया है लेकिन ये वाला स्विच किसी भी इन्वर्टर में अवेलेबल नहीं है, जस्ट इस मॉडल में इस इन्वर्टर में ये स्विच है। तो इसके मदद से आप अपना ग्रिड चार्जिंग को डिसेबल करके रख सकते हैं, अगर आप चाहे तो आपका बैटरी सिर्फ सोलर से ही चार्ज हो तो आपको उसे हमेशा डिसेबल करके रखना है, और अगर आप अपना बैटरी को मेन लाइन एंड सोलर दोनों से चार्ज करना चाहते हैं तो आपको उसे एनेबल करके रखना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब सोलर पावर नहीं रहता है तो ऑटोमेटिक ये आपका मेन लाइन से बैटरी चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। और इसके बाद दिया गया है चार्जिंग करंट सिलेक्शन करने के लिए ऑप्शन, तो अगर आप अपना बैटरी को हाई एम्पियर से हाई करंट से चार्ज करना चाहते हैं तो आपको उसे हाई पर रखना है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि बैटरी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए आप उसे हमेशा स्टैंडर्ड पर ही रखें। तो अभी इस इन्वर्टर को मैंने इस दोनों सोलर पैनल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करके आपको लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा। और ये दोनों सोलर पैनल लुमिनस कंपनी का है और 165 करके टोटल मेरे पास 330 वाट का सोलर पैनल है। तो अभी इस 330 वाट सोलर पैनल को मैंने कनेक्ट करूंगा इस माइक्रोटेक सोलर इन्वर्टर के साथ, और अभी जो भी होगा आपके सामने होगा, लाइव होने वाला है। तो गाइस अभी मैंने सोलर पैनल को इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर लिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सोलर ऑन और मेन लाइन को मैंने ऑफ करके रखा है, और ये इन्वर्टर अभी UPS मोड में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 30% लोड अभी इसके ऊपर दिया गया है, घर का जो लोड टोटल लोड चल रहा है ये 30%, और ये सोलर मोड में है, 12.9 वोल्ट सोलर पैनल से आ रहा है, और सोलर पैनल से जो करंट आ रही है 10.9 एम्पियर आ रहा है, और बैटरी वोल्ट 12.7।
और आप इस मेनू बटन में डबल प्रेस एंड होल्ड करते हुए आपको यहाँ पर दिख जाएगा सोलर पावर टोटल पावर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोलर पैनल से जो पावर आ रहा है ये 135 वाट टोटल आ रहा है, टोटल जनरेशन हो गया पावर 135 वाट। और हमारा जो सेविंग्स है तो ये है 0.07 किलोवाट। तो मैंने इसके साथ और एक सोलर चार्ज कंट्रोलर यूज करता हूँ, MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर जो कि स्मार्ट एंड प्राइम का है। तो ये वीडियो भी इस चैनल पर है तो इसलिए यहाँ पर टोटल सेविंग्स आपको सही तरह से नहीं दिखाई देता। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है, तो उम्मीद करते हो कि वीडियो से आपको थोड़ा सा हेल्प मिला होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए मिलते हैं आपसे और अपने इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।